गौडजिला, मेका गौडजिला और गिदोरा को कई मूवी में दिखाया गया है और इसके कई वर्जन भी है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी फेमस काइजू है सभी के मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में जानेंगे और जितने भी काइजू के पावरफुल वर्जन के बारे में बताऊंगा सभी को मूवी से लूंगा। तो आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 गाइगन। गाइगन का पहली बार अपीयरेंस हुआ था 1972 की मूवी गौडजिला वर्सेस गाइगन में। गाइगन एक एलियन साइबर्ग है जिसका मकसद होता है गौडजिला को मारना। गाइगन अजीब तरह का दिखने वाला मॉन्स्टर है जिसका सिर पक्षी के आकार का होता है और उसका एक आई और एक हॉर्न होता है जो जाना जाता है अपने हाथों के खतरनाक हुक्स के लिए। अगर गाइगन के पावरफुल वर्जन की बात करते हैं तो वह है फाइनल वार्स का गाइगन जो 393 फीट बड़ा गाइगन है जिसके पास कई वेपन है जो उसे शक्तिशाली बनाता है। रेजर जिसका है जो अपने बॉडी से छोड़ता है जिससे वह अपने दुश्मन को काट सकता है। लेजर है जो अपने आँखों से मोटी लेजर बीम छोड़ सकता है। इसके हाथों के हुक्स को रोटेटिंग ब्लेड में बदल दिया जाता है जिससे यह और भी खतरनाक बन जाता है। और इस गाइगन के पास एंटी ग्रेविटी फ्लाइट भी है जिससे वह उड़ते हुए अपने दुश्मन पर हमला भी कर सकता है। नंबर 7 मोथरा। मोथरा का पहली बार अपीयरेंस हुआ था 1961 के फिल्म मोथरा में जो जाइंट बटरफ्लाई जैसे दिखने वाली काइजू है जो एक तरह से इमोर्टल मॉन्स्टर है जो मरने के बाद फिर से ककून से निकलकर जिंदा हो जाती है। मोथरा के पास अपने मुंह से जाल छोड़ना, अपने एंटीना से लेजर छोड़ना ये कॉमन एबिलिटी है। अगर बात करते हैं इसके पावरफुल वर्जन की तो वह है मोथरा लियो जो दिखा था 1996 के मूवी रिबर्थ अब मोथरा में जो अब तक का पावरफुल मोथरा है। यह मोथरा इतना शक्तिशाली होता है किंग गिदरा के पंख को काट देता है। यही नहीं, यह अपने पंख से किसी भी मॉन्स्टर के शरीर को काट सकती है। इसके पास प्लेनेट लेवल तक की पावर होती है। यह मोथरा अपने फेक रिफ्लेक्शन बना सकती है, अपने हेयर से ब्लू रंग का 3 हीट लेजर छोड़ सकती है, अपने पंखों से थोर की तरह लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है। यह एक्वा मोथरा में बदल सकती है जिससे वह पानी के अंदर भी फाइट कर सकती है और बीम छोड़ सकती है। इसके पास रेम्बो बस्टर है जो कई रंग का बीम छोड़ सकती है, यहाँ तक कि दूसरे के अटैक से बचने के लिए शील्ड भी बना सकती है। नंबर 6 रोडान। रोडान दिखा था 1956 की फिल्म रोडान में जो बाज की तरह दिखने वाला जैन काइजू है। वैसे तो रोडान के पास कोई सभी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, फिर भी यह मॉन्स्टर स्ट्रांग माना जाता है जिसका स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना बहुत ज़्यादा होती है। रोडान का उड़ना ही उसका पावर है जो सिटी के ऊपर उड़कर पूरी सिटी को तबाह कर सकता है। अगर बात करते हैं अब तक के शक्तिशाली रोडान की तो है मॉन्स्टर वर्स का रोडान जो अब तक का सबसे बड़ा रोडान है जो 154 फीट ऊँचा और विंग स्पैन 871 फीट है। दूसरा कि यह रोडान ज्वालामुखी के अंदर सरोई कर सकता है और किंग गिदरा और मोथरा से फाइट करने के बाद भी बच जाता है, इसलिए यह रोडान अब तक का शक्तिशाली रोडान है। नंबर 5 म्यूटो। म्यूटो एक पैरासाइट है जो अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाले जीव का शिकार करता है। म्यूटो को टोहो के फिल्म में दिखाया नहीं गया है, इसे अभी मॉन्स्टरवर्स के मूवी में दिखाया गया है, इसलिए अभी तक इसके मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन इसे कॉमिक में पावरफुल वर्जन के बारे में बताया गया है जो है म्यूटो प्राइम। म्यूटो प्राइम बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली होता है जिसके पास भूकंप लाने की शक्ति होती है। इसके पास सोनिक रोर होता है जिससे वह गौडजिला गिल्स को डैमेज कर देता है, जिसके बाद गौडजिला एटॉमिक ब्रेथ भी नहीं छोड़ सकता, जो कि इस म्यूटो को मूवी में दिखाया नहीं गया है, इसलिए अब तक का पावरफुल वर्जन है क्वीन म्यूटो जिसको दिखाया गया था गौडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में। नंबर 4 मेका गौडजिला। मेका गौडजिला जिसको बनाया ही जाता है गौडजिला को मारने के लिए, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1974 के फिल्म गौडजिला वर्सेस मेका गौडजिला में। अगर हम इसके मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करते हैं तो इसमें टाई हो जाता है दो मेका गौडजिला के बीच में, जो है सुपर मेका गौडजिला और मॉन्स्टरवर्स का मेका गौडजिला, क्योंकि दोनों ही मेका गौडजिला पावरफुल है और बड़े हैं।
सुपर मेका गॉडजिला को दिखाया गया था 1993 की फिल्म गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला 2 में, जिसकी हाइट 393 फीट थी, जो इतना शक्तिशाली था कि गॉडजिला को मार दिया था। लेकिन रोडान के द्वारा लाइफ एनर्जी देने के बाद फिर से जिंदा हो गया, फिर वह सुपर मेका गॉडजिला को डिस्ट्रॉय कर दिया। वही मॉन्स्टर वर्स का मेका गॉडजिला 400 फीट से ज़्यादा बड़ा है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि गॉडजिला को पूरी तरह पीटता है, जिसे कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर मेका गॉडजिला को मारते हैं। तो मेरे ओपिनियन से दोनों ही मेका गॉडजिला बहुत ही शक्तिशाली है। सुपर मेका गॉडजिला के पास बहुत सारा वेपन है, वही मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला के पास फाइटिंग स्किल है और उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 गिदोरा। गिदोरा 3 सर वाला ड्रैगन है, जिसका पहली बार अपीयरेंस हुआ था 1964 के फिल्म गिदोरा द 3-हेडेड ड्रैगन में। गिदोरा स्पेस काइजू है, जिसका मकसद होता है अर्थ को तबाह करना, और यह अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है। अगर हम इसकी सबसे शक्तिशाली वर्जन की बात करते हैं तो वह है ओइड गिदोरा, जो इतना शक्तिशाली है कि सभी मॉन्स्टर वर्स के मॉन्स्टर को मार सकता है और अर्थ को तबाह कर सकता है। इसके पास इंटर डायमेंशन की ट्रैवल की एबिलिटी है, जो दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर वहाँ की दुनिया को नष्ट करता है। इसका बॉडी एनर्जी का बना होता है, जिससे कि दूसरे मॉन्स्टर इसे छू नहीं सकते और न ही उनके अटैक का कुछ फर्क पड़ता है। यह दूसरे मॉन्स्टर को बाइट कर उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पास सुपर ग्रेविटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे ओइड गिदोरा ने हजारों ग्रहों को तबाह किया है, और यह अपने बॉडी को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है, जो इसको मुई में 20 किलोमीटर से भी बड़ा दिखाया गया है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह गिदोरा कितना शक्तिशाली है। नंबर 2 कॉन्ग। तो कॉन्ग एक ऐसा काइजू है जो गॉडजिला से पहले आया, यानी कि इसका पहला फिल्म आया, जिसे दिखाया गया था 1933 के फिल्म किंग कॉन्ग में, जो एप जैसा दिखने वाला काइजू है। अगर इसके मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करते हैं तो है मॉन्स्टर वर्स का कॉन्ग, क्योंकि यह कॉन्ग अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ग है, जिसकी हाइट 355 फीट है। वहीं 1933 के फिल्म के कॉन्ग का साइज 20 फीट है, 1962 के कॉन्ग का साइज 148 फीट है, 2005 के किंग कॉन्ग का साइज 25 फीट है, जो इस मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग के सामने बौने हैं। और इस कॉन्ग ने मॉन्स्टर वर्स के शक्तिशाली काइजू गॉडजिला से फाइट किया है और शक्तिशाली विलेन मेका गॉडजिला को हराया है, जो इस कॉन्ग के पास एक है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। इसलिए यह कॉन्ग अब तक का सबसे शक्तिशाली कॉन्ग है। नंबर 1 गॉडजिला। गॉडजिला का पहली बार अपीयरेंस हुआ था 1954 के फिल्म गॉडजिला में, जो अब मुई का फेमस काइजू है, जिस पर मॉन्स्टर वर्स पर 3 मुई आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसके सबसे शक्तिशाली वर्जन की, तो है गॉडजिला अर्थ, जिसको पहली बार दिखाया गया था गॉडजिला प्लेनेट ऑफ द मॉन्स्टर में, जो 1000 फीट बड़ा गॉडजिला है, जो अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गॉडजिला है। इसके पास कई सारे अनोखे एबिलिटी है जो दूसरे गॉडजिला के पास नहीं है, जैसे शील्ड, टेराफॉर्मिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, प्लाज्मा कटर और सुपर ऑसिलेटरी वेव। इस गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ इतना शक्तिशाली है जो अर्थ से स्पेस के एस्ट्रॉइड को तबाह कर सकता है। मेटालिक टिश्यू है, रिजर्वेशन की एबिलिटी है, और इसके पास कई सारे एबिलिटी है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो गॉडजिला अर्थ वर्सेस लेजेंडरी गॉडजिला की वीडियो देख सकते हैं, या फिर गॉडजिला अर्थ वर्सेस सटर की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।